आखिर बिहार में क्या हो रहा है? इतने अच्छे ऑफिसर शिवदीप लांडे ने इस्तीफा दे दिया, क्या कारण है सर? आखिर क्या हो रहा है? आप भी समाज से जुड़े रहते हैं काफी। अमित जी, सबसे पहले आपके न्यूज चैनल में स्वागत है, हमको बोलने का मौका दिया आपने। काफी ये खबर अभी जो बड़ी खबर है, बिहार से शिवदीप लांडे ने इस्तीफा दिया है और वो पूर्णिया के IG के पद पे थे शिवदीप लांडे, और बिहार में वो सिंघम के रूप में जाने जाते हैं और अच्छे IPS ऑफिसर हैं। और पूर्व में भी मीडिया में खबरें चली है कि काम्या मिश्रा मुजफ्फरपुर दरभंगा देख रहे थे, लेकिन उन्होंने भी नौकरी से रिजाइन देकर अपने घर गांव लौटना चाहता है। तो काफ़ी ये सवाल जो है मीडिया में ही नहीं, आम तौर पे जो अच्छे IPS हैं बिहार में जो काम कर रहे थे, लगातार वो नौकरी से इस्तीफा दे रहे हैं, नौकरी छोड़ के वापस घर जा रहे हैं। क्या मामला है ये कहना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आखिर जल्दबाजी कि आखिर मामला क्या है, लेकिन बिहार में IPS नौकरी छोड़ के आखिर क्यों जा रहे हैं, क्या कारण है, ये कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़ा सवाल यह भी है कि कितने लोग पढ़ाई लिखाई करने के लिए दिल्ली पढ़ते हैं, बहुत जगह पढ़ते हैं, कितनों का लोगों का सपना होता है कि हम पढ़ लिख कर IAS IPS बने, और इतने बड़े पद पर रहने के बावजूद, सारे सुख सुविधा रहने के बावजूद भी इस्तीफा देना कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है बिहार के लिए कि आखिर बिहार में ही क्यों ऑफिसर इस्तीफा दे रहे हैं। निश्चित तौर पे आपका जो सवाल है वो काफ़ी जो है प्रश्न चिन्ह है उस सवाल में कि आखिर IPS बड़े बड़े अधिकारी जो है बिहार छोड़कर वापस अपने घर लौट रहे हैं, अन्य राज्य जा रहे हैं, क्या कारण है? ये माननीय मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्रालय को जरूर इस पर जो है देखना चाहिए। भैया एक बात है, जहाँ तक मैं जानता हूँ शिवदीप लांडे काफ़ी चर्चित थे, हर युवाओं में हर माफिया में इनकी जो है जो इनका कार्यशैली रहा है कि जहाँ भी रहते थे ताकत के रूप में और जो ईमानदारी से काम करते थे। अब क्या होगा, बिहार सरकार क्या कर रही है जो बिहार में ये सुनने को मिला? बिहार का शिवदीप लांडे हीरो था, आइकॉन था बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए, और अपराधी उसके नाम से थर थर कांपते थे। वो चाहे कटिहार हो, पूर्णिया हो, अररिया हो, किशनगंज हो, चाहे दरभंगा समस्तीपुर का इलाका हो, चाहे जो है सहरसा सुपौल में अपना योगदान दिया है, बिहार लेवल में वो एक जो रियल हीरो होते हैं, गरीबों के, युवाओं के, छात्र छात्राओं के, वो रियल हीरो हैं। उसका जो काम करने का जो तरीका है वो अलग हटके है, लेकिन इस्तीफा क्यों दिया, क्या कारण है? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी जस्ट किया है और आप उसको सुने जरूर। उन्होंने कहा निजी कारणों से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, मैं वापस अपने गाँव घर लौट रहा हूँ। काफ़ी युवाओं के लिए हम लोग लिए दुखद खबर है कि शिवदीप लांडे एक ऐसे हीरो हैं, सिंघम स्टाइल में बिहार में काम करते थे, जो हम लोगों को भी अच्छा लगता था कि बिहार में इस तरह के IPS महाराष्ट्र के हैं जो कटिहार को अपने योगदान सेवा दे रहे हैं। जी मुझे काफ़ी दुख है सर, भैया मुझे काफ़ी दुख है, पत्रकारिता में जब भी उनसे मिलते थे और उनका एकदम अलग रोल रहता था कि ईमानदारी से कोई भी काम कीजिए। देखिए पत्रकारिता में ही नहीं, पूरे बिहार के जितने भी पत्रकार हैं उनसे मिलना, उनकी बातों को सुनना, उसका जो एक जो पारिवारिक रिश्ता रहता है, वो चाहे राजनीतिक दल के लोग हैं, विधायक हों, सांसद हों, चाहे जनप्रियस्तरीय जनप्रतिनिधि हों, चाहे मीडिया के बंधु हों, समाज सेवक हों या आम लोग हों, उनसे लगातार मिलते थे। ये जब मिलने जाते थे आम लोग, उनको जो बात करते थे अपने इलाके का, जो दिक्कत होती कठिनाई क्राइम को लेकर हो, चाहे सोशल मीडिया से संबंधित हो, चाहे अपने जो भी कारण है, वो शिवदीप लांडे सर सुनते थे और उस पर कार्रवाई भी करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन काफ़ी दुखद है, अपना परिचय बता दीजिएगा। सुमन शर्मा, समाजसेवी और पत्रकार हैं। खबर अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी जा पाए कि बिहार में आखिर हो क्या रहा है और IPS ने दे दिया है इस्तीफा और भूचाल मचाने वाला यह खबर।